झारखंड की राजनीति में घर तलाश जुटी जदयू पार्टी ने प्रथम चरण के मतदान होने के बाद अपना संकल्प पत्र घोषित कर दिया है। यह घोषणा पत्र अरगोड़ा स्थित कार्यालय में किया गया। इस घोषणा पत्र में मुख्य रूप से आरक्षण नीति, भूमि सुधार व जल प्रबंधन, शिक्षा, खेल व संस्कृति, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि जैसे मुद्दों पर बल दिया गया है। वहीं जदयू प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि यहां भाजपा, जेएमएम एवं अन्य पार्टी जनता को गुमराह करती आई है। रोजगार, शिक्षा के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि बीजेपी पार्टी का विकास मॉडल पूंजीपतियों के लिए है और जेएमएम जैसी पार्टियां केवल दारू और हड़िया फुटबॉल बांटकर राज्य का विकास कर रही है। ज्यादा हक यहां के लोगों की होनी चाहिए। तो ये दोनों पार्टियां जो अपने को पक्ष और विपक्ष कहती हैं, मेरे हिसाब से ये वास्तव में जनता के साथ नहीं है, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ हैं, यहाँ के लोगों के खिलाफ काम करते हैं और इन्हीं लोगों के कारण से झारखंड का सपना नेस्तनाबूत हुआ है। चूँकि सीएनटी एसपीटी कानून को दोनों पार्टियों ने तोड़ा है और झारखंडी भाषा, संस्कृति और सरना धर्म कोड के लिए बीजेपी जेएमएम दोनों ने कुछ नहीं किया है, झारखंडी स्थानीयता का भी इन्होंने निर्माण नहीं किया, पैसा पंचायत कानून के तहत पैसा और पावर गांव को नहीं दिया और विस्थापन पलायन को भी रोकने का काम नहीं किया है। वहीं बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश मॉडल पर ही झारखंड में चुनाव लड़ा जाएगा। हमारी पार्टी जनता दल यू पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जानी जाती है। हम घोषणा नहीं, संकल्प। बिहार में हमने 7 निश्चय और झारखंड में हमने बदलाव के 10 सूत्र की चर्चा की है और हमारी ये समझ है कि प्राकृतिक संपदा से भरपूर रहने के बावजूद, मानव बल महत्वपूर्ण रहने के बावजूद, जो समाज के कमजोर तबके से लेकर के जो और लोग हैं, इनके पास बौद्धिक क्षमता के बावजूद जो विकास की पटकथा नहीं लिखी जा रही है, तो हमने ये बदलाव के 10 सूत्र बताए हैं कि जनता दल का ये सूत्र है, इस सूत्र का को अंगीकार करिए, स्वीकार करिए। विधानसभा में लगी आग पर नीरज कुमार ने कहा कि राज्य की जनता को जानने का हक है कि विधानसभा में आग कैसे लगी। अब देखिए, मीडिया में जो खबरें आई है उसके आधार पर अब तो प्रशासकीय दायित्व है, चूँकि ये विधायिका है और इस विधायिका में अगर कोई दस्तावेज का नुकसान हुआ है, उसके आधारभूत संरचना का नुकसान हुआ है, उस कंपनी ने भी कुछ आरोप लगाया, तो हम उम्मीद करते हैं कि अविलंब इसकी पूरे प्रकरण का एक सक्षम प्राधिकार अविलंब जांच कर दे, जिससे कि आम लोग जान सके कि विधायिका में आग लगने का कारण क्या था। सबरंग समाचार के लिए रांची से रिजवान की रिपोर्ट।